पुस्तकों में चिपटे इतिहास में मुगलों को पढ़ा तो अन्य विदेशियों से जुड़ी जानकारियों को भी खूब रटा। तय रणनीति के चलते वो दिमाग में ठूंसा जाता रहा जो हमारे ननिहालों को उनकी जड़ों से दूर करता गया। लेकिन साहब, अब धर्म ग्रंथों के साथ महापुरुषों और देश के गौरवशाली इतिहास को भी ताजा कराया जाएगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस सरकारी फैसले के बाद ये आशा की जा सकती है कि नई पीढ़ी में संस्कार और नैतिकता की जड़ें और मजबूत होंगी। तो साहब, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक जबरदस्त फैसला लिया है जिसके अनुसार ग्रेजुएशन के दर्शन शास्त्र में नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा। अब छात्रों को तुलसीदास, भगवान राम जैसे महापुरुषों के साथ वेद, उपनिषद और पुराणों को भी पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत इसी सत्र से ये सिलेबस लागू भी होगा। हालांकि ये विषय वैकल्पिक होगा। हमारे अपने बीए साइंस ऐसे कई विषयों को लेकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब अपना सिलेबस लागू कर रहा है तो हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्मग्रंथ से भी जुड़े हों, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, या देवी अहिल्या हो, अगर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। और ये सारे सिलेबस विद्वानों के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, ये हमारे अपने एजेंडे से नहीं होते हैं। तो विद्वानों ने जिस जिस तरह से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उच्च शिक्षा वो सब चीज़ों को लागू करेगा और उसमें आगे बढ़ा। बहुत संभव है कि इस सरकारी फैसले को सियासी रंग भी दिया जा सकता है, लेकिन जरा गंभीरता से सोचिएगा, एहसास होगा ये फैसला देश और समाज हित के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य गढ़ने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।